हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र के ऑफिशियल चैनल जहां आपको फ्री एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, मैं वहां आपका मनोज राघव फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और अगर आपने मेरे पहले दो वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड देखे हैं, नाइन्थ क्लास की जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कवर कर रहे हैं, मैंने आपको मॉड्यूल वन पढ़ाया, मॉड्यूल टू पढ़ाया। ये मॉड्यूल टू का कंसेक्यूटिव पार्ट है। वीडियो ज़्यादा, लेक्चर ज़्यादा लंबे ना हो, मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे शॉर्ट बनाने की। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन के बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने जो अभी का जो सेशन है, आफ्टर कोविड सेशन है या कोविड के दौरान में, अगर आप किसी भी वजह से डायरेक्ट फॉर्म से, इनडायरेक्ट फॉर्म से, अगर आपकी जो लर्निंग है उसमें अगर हल्का फुल्का वेरिएशन भी आया होगा, हालांकि मुझे पता है आपके पेरेंट्स कॉन्शियस हैं और आप भी कॉन्शियस रहे होंगे और आपने पढ़ाई को ठीक से किया होगा, अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ें रहती है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बेसिक से लेकर चलूँ और मैं आपको सब चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में बेटा, दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आयतन बोल देते हैं। मैथ्स में वॉल्यूम्स हमने निकाले हैं, काउंट किए हैं, स्क्वेयर का, रेक्टेंगल का वॉल्यूम फॉर्मूले रिलेशन हमें पता है। क्यूबॉइड में आप ले लेते हैं एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब में आप ले लेते हैं ए इंटू ए इंटू ए, मीन साइड इंटू साइड इंटू साइड। कभी आपने पाई आर स्क्वायर सुन लिया, कभी आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर सुन लिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने जो सॉलिड फिगर्स होती है, आपने उनके वॉल्यूम्स को लर्न किया होगा और काउंट भी किया होगा, कैलकुलेट भी किया होगा, आई एम श्योर। बात आती है यहाँ पर कि ये जो वॉल्यूम है, ये मैथ्स वाला वॉल्यूम और साइंस वाला वॉल्यूम सेम होता है क्या, या अलग अलग होता है? बेटा, मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये दोनों इंटररिलेटेड है। तो साइंस का ही पार्ट है और वो पार्ट में भी अपग्रेडेड पार्ट जो है, मतलब वो क्वीन बोल दिया गया है मैथ्स को, तो ये इंटर एसोसिएटेड हो गए, ठीक है ना? कुछ भी फर्क नहीं है, बस यह समझने की जो अंडरस्टैंडिंग गट्स होंगे, क्योंकि आपको यहां पर जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स जो अप्लाई करने हैं वो थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली हल्के फुल्के से अलग है, तो वो फैक्ट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बताते हैं आपको वॉल्यूम के बारे में। तो स्क्रीन पर देखते हैं, वॉल्यूम पढ़ने से पहले आपने एक चीज देखी, यहां आपने देखा सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव कंटेनर। इसके अंदर में गैस अवेलेबल है, गैस पार्टिकल कहीं ना कहीं बॉर्डर बॉर्डर पे ऐसे करके होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सेंटर में नहीं होंगे, पर बॉर्डर पे वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे होंगे इस तरह से, मैं येलो से बना के देखूं, हाईलाइट करेगा, ऐसा व्यू आपको कुछ आएगा। यहां पे ऑयल का लेवल आपको समझ में आ ही रहा है, ये ऑयल का लेवल, ये रहा यहां तक, ये सारा ऑयल आ गया। आप देखेंगे तो यहां पर एक केस है, अगर आप इस केस को देखते हैं तो इस वाले केस में सिलेंडर में कंटेनर और गैस दोनों की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की, तो वो क्या है, सेम है। यहां मैं बात करूंगा तो कंटेनर क्या है, बॉटल, और ये ऑयल जिसको मैं लिक्विड स्टेट बोल देता हूं, है दोनों मैटर। गैस भी यहां पर क्या है, मैटर है, गैस भी क्या है, मैटर, और यहां पर ये ऑयल भी क्या है, ये भी एक लिक्विड स्टेट है पर ये भी क्या है, मैटर है। बॉटल्स भी मैटर है, सिलेंडर भी मैटर है। तो हम यहां देख रहे हैं कि गैस के स्टेट में क्या होता है। पहले तो मैं आपको यहां पर जो परिभाषा है उसको हिंदी में और एक लोकल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो मैटर का जो अमाउंट होता है जब वो किसी कंटेनर के अंदर होता है तो हम उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। एक मैटर को, जैसे कि मैं यहां तेल को दिखा पा रहा हूं आपको, ऑयल को दिखा पा रहा हूं, ऑयल इस बॉटल के अंदर इतना है, तो यानी ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसका, वॉल्यूम ऑफ ऑयल। यहां पर ये गैस को मैंने, पार्टिकल्स को आपको दिखाया, तो ये जो येलो येलो वाला एरिया है सारा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसका, ये वॉल्यूम ऑफ किसका हो गया, कंटेनर भी बोल सकते हो, गैस भी, क्योंकि पूरे में भरी हुई है। इससे चीज जाहिर होती है कि जो मैटर अवेलेबल होता है वो जितना जगह घेरता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो स्पेस उस मैटर ने घेरा खुद को ऑक्यूपाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है ना?
अब उसको वॉल्यूम बोल दिया गया, आयतन बोल दिया गया। अब आयतन के बाद में यहां पर आप चीजें को देखते क्या है कि गैस तो क्या करती है, कंटेनर को हमेशा पूरा भर लेती है, तो कंटेनर और गैस का वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, सेम ही हो गया ना, पूरे कंटेनर को भर लिया उसने, वॉल्स वॉल्स पे जाके प्रेशर लगा दिया, बीच का स्पेस सारा घेर लिया, पार्टिकल दूर दूर होकर घेर लेते हैं। लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता, लिक्विड के केस में क्या हो गया कि बॉटल के पास कैपेसिटी अलग थी, बॉटल और ज्यादा ऑयल को भर सकती थी, पर बॉटल ने में नहीं भरा, एक चीज को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ कि ऑयल क्या है, लेवल कम है। जब ऑयल का लेवल कम है तो मैटर कितना है, जो अंदर अवेलेबल मैटर है वो कितना है, कम अमाउंट में है, तो जितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है वही वॉल्यूम है, उतना जितनी जगह घेरी है वो वॉल्यूम किसका है, ऑयल का वॉल्यूम है। जो येलो पार्ट है जिसको मैंने ब्लू बाउंड्री से दिखा रखा है, ये वाला हिस्सा क्या है, वॉल्यूम है, और सिर्फ किसका है, ऑयल का है। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि दोनों के वॉल्यूम जो है, दोनों के वॉल्यूम आर नॉट सेम, सेम नहीं है। बॉटल ज्यादा ऑयल भर सकता है, पर यहां पर जो ऑयल है वो ज्यादा नहीं भरा हुआ है, तो यहां पर कंटेनर का और जो कंटेन हो रखा है उन दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट हो गया। कैपेसिटी, फिलिंग कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उसको भी वॉल्यूम बोलते हैं, और मैटर के पास जो मटेरियल होता है और मटेरियल खुद को रखने के लिए जितनी जगह घेरता है वो भी वॉल्यूम होता है। यहां पर ऑयल का वॉल्यूम अपना हो गया और बॉटल का वॉल्यूम अपना हो गया। वॉल्यूम जो फिलिंग कैपेसिटी है, तो दो शब्द आ गए, फिलिंग कैपेसिटी जितनी होती है, मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी जितनी होती है, हम उसको कंटेनर का वॉल्यूम बोल देते हैं। अब बॉटल तो बड़ी है पर ऑयल कम है, तो वो ऑयल का अपना मैटर है, तो ऑयल का वॉल्यूम कम कहलाएगा, जितना मैटर है उतने ही जगह घेर ली, वो ऑयल का, ऑयल अपना मैटर जो है वो अपना वॉल्यूम लेकर बैठा है और बॉटल जो है वो अपना वॉल्यूम लेकर बैठी है। तो लिक्विड के केस में दोनों कंटेनर और जो कंटेमिनेट हो रखा है जो अंदर है, उन दोनों के वॉल्यूम्स अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी। अगर पूरा भरा है तो दोनों का वॉल्यूम सेम, अगर आधा भरा है तो मैटर का वॉल्यूम अलग है, आधा भरा है या पार्शियल भरा है तो उसका मैटर का वॉल्यूम अलग रहेगा और कंटेनर का वॉल्यूम अलग रहेगा। गैस के केस में हमेशा क्या होता है, गैस चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए वो घेर कर पूरा ही रखती है, तो दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है। जब मैं डिफरेंशिएट कराऊंगा तो वहां और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मजा आएगा। अभी इन शॉर्ट इस वीडियो के थ्रू आउट मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता था। पहली चीज जो है वो है कि गैस और कंटेनर वॉल्यूम सेम रखते हैं। दूसरी चीज, लिक्विड और कंटेनर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होता है जितना, और इसीलिए परिभाषा यहां पर जो दी गई है स्क्रीन पर वो दी गई है अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन रेस्पेक्टिव कंटेनर, जिस कंटेनर में वो है, कैन बी गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वॉल्यूम। हम उसको जितना अमाउंट है उसको हम वॉल्यूम बोल दिया करते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर समझ में आया होगा। अगर आपको मास को लेकर, वेट को लेकर, वॉल्यूम को लेकर, मैटर को लेकर कुछ भी दिक्कतें हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उनको रिजॉल्व करूं और आपको सेटिस्फाइड करूं। जल्दी मिलूंगा तीसरे मॉड्यूल की वीडियो को लेकर, और मैं उससे पहले आपसे एक्सपेक्टेशन के साथ में, पूरी उम्मीदों के साथ में आपसे ये वादा लेता हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वादा ले रहा हूँ, पढ़ना है ठीक है, और इस कंटेंट को लर्न करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।